खबर पर बड़ी अपडेट है, कल हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हैं सबकी निगाहें। सीएम की दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से चर्चा हो चुकी है। राजस्थान मंत्रिमंडल पर फाइनल मुहर लगी है, अब बस ऐलान होना बाकी है। राजस्थान में कल शपथ ले सकते हैं मंत्री। करीब 24 नामों को लेकर बनी है सहमति, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार बहुत अहम चीज होती है और इसके लिए लगातार चिंतन मंथन किया गया, कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन लिस्ट फाइनल हो गई है, अब बस नाम का ऐलान होना बाकी है। किसे कौन सा पद मिलता है, इस पर सभी की नजरें जो हैं वो लगातार टिकी हुई हैं, क्योंकि अब तक सीएम से भी कई लोग मिल चुके हैं। मुलाकातों का दौर लगातार जारी है, बैठकों का दौर लगातार हो रहा है और ऐसे में अब मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर किस मंत्री को क्या पदभार इस बार मिलता है, क्योंकि बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि इस बार कई केंद्रीय मंत्री जो हैं वो चुनाव लड़े थे राजस्थान में और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। विधायक वो राजस्थान में, विधानसभा में वो जोर शोर से मुद्दे उठाएंगे, तो ऐसे में उन्हें कौन सा पद दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर जैसलमेर से आपको देंगे, क्योंकि आज जैसलमेर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दोपहर 1 बजे तक राष्ट्रपति पहुंचाएंगे जैसलमेर, पोखरण फायरिंग रेंज युद्धाभ्यास देखेंगे राष्ट्रपति। शाम 4:15 पर पूनम सिंह स्टेडियम पहुंचेंगी राष्ट्रपति और महिला अभ्यर्थियों से संवाद भी करेंगी। शाम करीब 6 बजे राष्ट्रपति दिल्ली रवाना हो जाएंगी, तो ये कार्यक्रम आज रहेगा। एक दिवसीय का ये दौरा है और राष्ट्रपति दोपहर को विशेष विमान से जैसलमेर सिविल एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां एयरपोर्ट पर राज्यपाल कलराज मिश्रा अगवानी करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा उनका स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति एयरपोर्ट से सीधा हवाई मार्ग से पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जाएंगी। वे पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल और सीएम भी रहेंगे। शाम 4 बजे जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में राजीविका लाभार्थियों से संवाद करेंगे। वहीं लखपति दीदी सम्मेलन में लाभार्थियों को 150 करोड़ के चेक बांटेंगे। स्टेट लेवल प्रोग्राम है, तो 5,000 महिलाएं बुलाई हैं, वो पूरे स्टेट से आएंगी। मेनली चार जो ये बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर, चार जिलों से ज़्यादा महिलाएं बुलाई हैं और ये राष्ट्रपति महोदया जो हैं इसको मतलब चेयर कर रही हैं और हमारे माननीय राज्यपाल महोदय भी आ रहे हैं, सीएम साहब भी आ रहे हैं। तो ये एक राजीविका का जो प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें अभी लखपति बनाने का एक संकल्प लिया गया है केंद्र सरकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो उसी मुहिम में ये एक कड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको जानकारी देंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का जैसलमेर का दौरा आज रहेगा। नवनिर्वाचित विधायक भी होंगे बैठक में शामिल। बाड़मेर जैसलमेर के बीजेपी विधायक इसमें शामिल होंगे। सीएम संगठन के पदाधिकारी और विधायकों के लेंगे बैठक। लखपति दीदी सम्मेलन के बाद पहुंचेंगे भाजपा जिला कार्यालय, भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से होंगे रूबरू। सीएम का भाजपा कार्यालय में स्वागत होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल होंगे। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे। तो सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार स्वर्ण नगरी जैसलमेर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री विशेष विमान से 11:45 पर जैसलमेर पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम भजनलाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति के साथ पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में लाइव युद्धाभ्यास देखेंगे। वहीं 4:20 पर जैसलमेर पहुंचे शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में लखपति कांग्रेस ने अगले साल होने वाले